तो आपको बता दें कि इस वक्त संसद भवन में कैबिनेट की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें ये बजट पेश किया जाएगा, बजट पर मुहर लगेगी और आधे घंटे के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। इतनी विकट परिस्थितियों में बजट पेश किया जा रहा है जहां पर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की है पिछले साल कोविड की वजह से, सरकार के पास आय के स्रोत बहुत सीमित हैं और लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि रोजगार गए हैं लोगों की जेब पर चोट पड़ी है और इसीलिए जहां लोग ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें कोई राहत मिलेगी टैक्स की सूरत में या किसी और शक्ल में, वहीं वित्त मंत्री की कोशिश होगी किसी तरीके से आय के साधन बढ़ाए जाएँ। इसलिए चर्चाएँ सेस की भी हो रही हैं, चर्चाएँ इस बात की भी हैं कि सैलरीड क्लास को, नौकरी पेशा लोगों को कुछ रियायतें भी मिलें। तो इन सब के बीच एक बाजीगरी सी करनी पड़ती है हर वित्त मंत्री को और इस बार शायद ज्यादा विकट परिस्थितियां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने हैं। ये बैठक शुरू हो चुकी है। जी जी जी, तो ये आपने देखा किस तरह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि अभी सौरभ बता रहे थे, उम्मीद बहुत ज्यादा है। देवेंद, अब इसमें सरकार की मुश्किलों की बात भी हम कर चुके, लेकिन सरकार की प्रायोरिटी क्या है? सरकार आज सबसे ज्यादा कहाँ पैसा लगाना चाहती है? सरकार के हिसाब से कहाँ पैसा लगाने से या पैसा या रियायत देने से लोगों का भला होगा, आम आदमी का भला होगा? और दो तीन चीज़ आ जाए, बहुत बड़ी चीज़ दिखेगी आज के बजट पेश होने के बाद। उसमें एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें हाउसिंग को भी आप शामिल कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ा ऐलान दिखेगा, उसके लिए बहुत सारी कोशिशें दिखेंगी। दूसरा एग्रीकल्चर को लेकर हम लोग बात लगातार करते रहे, एग्रीकल्चर को लेकर बहुत दिखेगा। तीसरा डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा हाइक दिखेगा आपको, डिफेंस सेक्टर पर जो हम खर्च करते हैं उसको लेकर बड़ा हाइक दिखेगा। और चौथी चीज़ जिसको लेके संकेत थे, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहें हैं, मोनेटाइजेशन कहें हैं, जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एयर इंडिया के अलावा BPCL, इन सारी चीज़ों को लेके, प्राइवेटाइजेशन को लेके, ताकि रेवेन्यू सरकार, पैसे सरकार के पास आ सकें, उसके लिए एक कोशिश दिख सकती है। हालांकि निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि ये सारे डिसीजन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिसीजन भी होते हैं, ग्राउंड पर उसका पॉलिटिकल असर भी होता है, लेकिन सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहा है उसमें ऐसा लग रहा था कि इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। बिल्कुल देवेंद्र, आपने अभी डिफेंस स्पेंडिंग की बात की और इसमें हम सबों को बहुत ध्यान से इस बात पर, इस बजट को देखना पड़ेगा क्योंकि इस बार हमारे सामने दो हमारे दुश्मनों की तरफ से ज़बरदस्त चुनौती है, चीन और पाकिस्तान। इसके संदर्भ में पिछले बजट में सरकार ने 4.5 लाख करोड़ का प्रावधान रखा था डिफेंस बजट में, लेकिन उसमें एक पेच था, 1,30,000 करोड़ सिर्फ पेंशन के लिए था। यानी कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम खर्च की बात करें तो वो सरकार के पास लिवरेज नहीं था डिफेंस मिनिस्ट्री के पास। और अभी चीन पर जो अभी स्थिति उत्पन्न हुई है उसके आधार पर इमरजेंसी परचेज बहुत करना पड़ा है सरकार को। तो त्रिवेदी जी, मेरा एक सवाल है, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना होगा, ये प्रायोरिटी सरकार को रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए भी पैसे का आवंटन चाहिए। जो हम पेंशन और सैलरीज अगर हटा दें तो तकरीबन 55% डिफेंस बजट का पेंशन और सैलरीज में चला जाता है। मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण कैसे होगा और नया इंफ्रा हम कैसे बनाएंगे मिलिट्री इंफ्रा की बात करें तो? देखिए, डिफेंस के दो आयाम हैं। अभी तक तो बहुत ज़्यादा 90% से ऊपर डिफेंस प्रोडक्शन सरकारी हाथों में था। सरकार ने नंबर वन डिफेंस में इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है और बहुत एग्रेसिवली अलाउ किया है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो एक तो वो सोर्स होगा कि डिफेंस का प्रोडक्शन का जो लोड गवर्नमेंट के ऊपर आता है, इंसास है ये और तरह तरह की तोप हैं ये बनाते हैं, जिसमें कि मुझे नहीं लगता कोई मुनाफा होता है। पर प्राइवेट सेक्टर अगर डिफेंस बनाएगा और एक्सपोर्ट करेगा तो एक नया ही चीज़ चालू होगी। दूसरा, डिफेंस में एक बजट में एक टर्म है, उसको कहते हैं उप्स जी, उसका मतलब है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। बजट में जैसे इस वक्त जो बढ़ाया, आप जैसे बोला कि दो दुश्मनों को नज़रअंदाज रखते हुए नज़र में रखते हुए जो इनको बढ़ाना पड़ा, एकदम से इम्पोर्ट करना पड़ा या जो भी हुआ, राफेल इम्पोर्ट किया और बड़े बड़ी चीज़ें इम्पोर्ट करी, उसका खर्चा कहाँ से आएगा? दी ओनली वे इस कि बजट का एक्सपेंस आप एक्स आंते बिफोर द बजट आप बजट में बढ़ा के रखिए जी, और आपको इमरजेंसी में जरूरत जैसे इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल उस तरह से करें, इस्तेमाल करना, जैसा कि अभी भी सरकार ने सिर्फ कंटिजेंसी फंड यूज करना पड़ता है वो, बिल्कुल। तो अभी भी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की इमरजेंसी परचेज की है सिर्फ इसलिए ताकि हमारे फौजी
थोड़े आराम से रह सकें और हमारी सीमा की निगरानी कर सकें तिब्बत में, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यानी कि लद्दाख के क्षेत्र में। और ये बताता है कि आज सरकार के पास न सिर्फ ये देखने की आवश्यकता है कि सरकार कैसे अपने बजट को बैलेंस करेगी, बल्कि कैसे अपनी सीमाओं को सुरक्षित भी रखेगी, इसके लिए प्रावधान कैसे किए जाएंगे। तो तमाम पहलू हैं बजट के जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लगातार बन रही हमारे साथ।